हेलो गाइस, क्या आप एक नया डिवाइस लेने का सोच रहे हैं और आपका बजट है 30,000? 30,000 के अंदर कौन कौन सा अच्छा डिवाइस आ सकता है आपको ये भी बताऊंगा, और दो मेजर परफॉर्मेंस फ़ोन जो कि आईफोन 7 और रियलमी जीटी न्यो 2 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा, कौन सा परचेस करना सही रहेगा या नहीं। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं 30,000 के अंदर कौन कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस डिवाइस आ रहा है। तो मेरे ख्याल से चार ऐसे डिवाइस आ रहा है जो कि 30,000 के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। सबसे पहले है आईक्यू 7, सेकंड है मी 11X, थर्ड है रियलमी जीटी न्यू जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है, और फोर्थ है रियलमी X7 Max। इसको कंसिडर करने का एक ही रीज़न है, क्योंकि आप BGMI या पबजी खेलते हो तो इसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट 90 FPS आपको प्रोवाइड कर देता है। बट 90 FPS उतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जितना आपको 60 दे पाएगा, क्योंकि 90 FPS सिर्फ नाम के लिए है। आपको एक्चुअली 70 से 80 के आसपास ज़्यादातर टाइम FPS मिल जाएगा, और जब आप एक कॉम्पिटिटिव मैच खेलते हो तो एंड सर्कल में बहुत ज़्यादा जब बंदे अलाइव होते हैं तो आपका FPS 50 के आसपास आ सकता है, 40 के पास आ सकता है। और जब आप कॉम्पिटिटिव मैच खेलते हो, जितना ही अच्छा डिवाइस हो, जितना ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, एंड जोन पे FPS ड्रॉप होने ही वाला है। एंड्रॉयड के कोई सा भी डिवाइस आप ले लो, FPS ड्रॉप होगा ही। एंड खुद सोचो, अगर आपके पास 60 FPS का डिवाइस है, वहाँ पे 50 के आसपास भी FPS चला जाएगा तो उतना ज़्यादा आपको लैग कुछ फील नहीं होगा। बट आपके पास जब 90 है, तो 70-80 के पास आपका FPS चल रहा है एंड 50 के पास चला जाए FPS, तो कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है और कितना ज़्यादा लैग देखने को मिलेगा इसकी वजह से। मैं ये डिवाइस कोई भी कॉम्पिटिटिव प्लेयर के लिए रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, और जो सिर्फ क्लासिक खेलते हैं, मज़े के लिए खेलते हैं, वो बंदे ये डिवाइस ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मी 11X। मी 11X में उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहा है जितना आपको एक 870 प्रोसेसर दे सकता है, और इस वजह से इस फ़ोन को मैं कंसिडर नहीं करने वाला हूँ। वो अलग बात है कि अगर मी 11X में कोई आप अलग सा कस्टम रोम इंस्टॉल करके उसका परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे तो उस पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बट डिफ़ॉल्ट जो है उसके हिसाब से ये उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहा है, इसलिए मैं इसको भी कंसिडर नहीं करने वाला हूँ। अब आ जाते हैं रियलमी जीटी न्यू 2 एंड आईक्यू 7 के बीच में। इन दोनों ही डिवाइस में आपको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, और इन दोनों डिवाइस पे आप BGMI खेलोगे तो स्मूथ के साथ एक्सट्रीम दोनों पे ही अवेलेबल है, और दोनों में ही 90 FPS डिफॉल्ट अभी तक नहीं आया है। इस वजह से दोनों ही अभी तक इक्वल है जो कि मैं बोल सकता हूँ। अब आ जाते हैं इन दोनों में से कौन सा बाय करना चाहिए आपको, कौन सा बाय करना सही रहेगा। सबसे पहले आते हैं इन दोनों के प्राइसिंग में। जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब अमेज़न पे जाके मैंने आईक्यू 7 देखा तो वहाँ पे था 29,990, जो कि बिना कोई बैंक ऑफर के साथ है। जब मैं रियलमी जीटी न्यू 2 को फ्लिपकार्ट पे जाके देखा तो वहाँ पे 31,999 दिखा रहा था, बट जब आप प्रीपेड करते हैं कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से तो इंस्टेंट 3,000 का डिस्काउंट है। इसके हिसाब से ये 28,000 में आपको मिल जाएगा, तो प्राइस में उतना कोई डिफरेंस नहीं है। बट अभी बात आते हैं लॉन्ग टर्म में कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो रियलमी में उतना ज़्यादा मुझे अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं हुआ है जितना अब तक आईक्यू 7 में हो चुका है, क्योंकि एक साल पहले जब मैंने रियलमी X2 प्रो लिया था, अभी जब रियलमी 2.0 आया तब से भाई उतना लैग हो रहा है, विथ रिकॉर्डिंग में बूट कैंप खेल भी नहीं पा रहा, तो क्या ही बताऊँ, इतना बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस मिला मुझे आफ्टर 1 ईयर्स। एंड आईक्यू 7 के बाद बोलूँ तो अभी तक 5 मंथ हो चुका है मुझे यूज करके, और अभी 4 या 5 अपडेट भी आ चुका है, बट जब मैं इसका एंटूटू बेंचमार्क अभी भी किया तो ये 7 लाख के ऊपर अभी भी जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो कि एक
अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है उतना दिन होने के बाद भी, जो कि मुझे अच्छा लगा, इतने लॉन्ग टर्म में भी ऐसा कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी भी बूट कैंप पे उतरता हूँ विथ रिकॉर्डिंग, या फिर कॉम्पिटिटिव पे खेलता हूँ मीडियम रिकॉर्डिंग के साथ जो कि 720p है, तो मैं खेल पा रहा हूँ इजीली। और कॉम्पिटिटिव में एंड जोन पे बहुत ज़्यादा बंदे होने से थोड़े बहुत तो रेंडर होगा ही, क्योंकि ये एंड्रॉयड डिवाइस है, कोई सा भी एंड्रॉयड डिवाइस आपको FPS ड्रॉप थोड़ा बहुत तो होने ही वाला है। और जितना एक्सपीरियंस मुझे मिला अच्छा लगा। एंड आप कौन सा डिवाइस लेने वाले हो कमेंट करके बताओ, और आपके ख्याल से कौन सा अच्छा रहेगा परचेस करना आप बता सकते हैं कमेंट पे। अगर अभी तक वीडियो आप देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि वॉइस ओवर करने में बहुत मेहनत लगा, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा वॉइस ओवर करना नहीं जानता। तो एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय एंड टाटा, लेट्स गो।